राम राज्य राम यज्ञ शुरू हो गए 22 जनवरी उद्बोधन और तार आगे आगामीकाल अयोध्या जाच्छेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला प्रतिष्ठार प्रस्तुति सरजमिनेर जन्यई विमानबंदर जंक्शन स्टेशन ट्रेन उद्बोधने पाशापाशि मेगा रोड शो हबे नरेंद्र मोदी परे जनसभाय जोग देबेन। मोदीर मेगा शोएर जन्य अयोध्या रोडे जान चलाचल परिवर्तन करा हबे आर डाइवर्शनेर अधीने लखनऊ थेके बस्ती सन्त कबीरनगर एवं गोरखपुर हुए बाराबाकी हुए जावा जानबाहनगुलि अयोध्या दिए जेते पारबेन ना। আমরা একবার দেখে নেব শুভদীপ যে অযোধ্যায় সেখানকার ছবিটা ঠিক কি রকম। সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সত্যপ্রকাশ অযোধ্যা থেকে। সত্যপ্রকাশ এক চিজ বতাইয়ে সে 25 দিন বাকি হ্যায় আর উসকে বাদ হ্যায় 22 জানুয়ারি জিস জিস চিজ কে লিয়ে হাম হর পুরে দেশবাসী হাম অভি উসি ক্ষণ কে প্রতীক্ষামে হ্যায়। উসসে পহলে कल वहाँ पे प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं, उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन की। उससे पहले आज वहाँ पे दौरे पे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या माहौल क्या बना हुआ है अभी अयोध्या की? जी हाँ बिल्कुल, अयोध्या को एक राममय वातावरण में तैयार कर दिया गया है। पूरे अयोध्या को फूलों से सजाया गया है, तमाम स्थान पे झंडा और तमाम व्यवस्थाएं जो की गई हैं, इसके साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या को एक राममय त्रेता युग की अयोध्या की तरह सजाया गया है। और जब प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं एक बृहद राममय वातावरण में अयोध्या में इनका रोड शो होगा। अयोध्या के श्री राम जो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में जो एयरपोर्ट तैयार किया गया, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिल्डिंग बनाई गई है रेलवे स्टेशन की, उसका भी इनॉग्रेशन होगा। उसके लेकर पूरी तैयारियां हैं, यहाँ पर भव्य आयोजन की पूरी एक अलौकिक रूप दिया गया है, क्योंकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके पहले जो यात्री अयोध्या आएंगे, जो श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या आने हैं, उनको लेकर एक पूरा खासा तैयारी है। उसको लेकर प्रधानमंत्री कल अयोध्या पहुंचेंगे, उसको लेकर तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही समय अयोध्या पहुंचेंगे, यहाँ की जो तैयारियों का उसका निरीक्षण होगा। तमाम मंत्रीगण भी इसके लिए लगाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के आने के बाद उसका पूरा रियल होगा कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे तो सत्यप्रकाश और एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब पहुंचने वाले हैं वहां पे? लगभग 3 बजे का समय होगा जब अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में रामपथ धर्मपथ है, एयरपोर्ट और अयोध्या के रेलवे स्टेशन का जो निरीक्षण किया जाएगा, उसके साथ उनके लिए जो पूरी तैयारियां है उसके बंदोबस्त अब पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरी अयोध्या को तमाम फूलों से सजाया गया है। हर पथ पर जिन पथ के रास्ते पर उनका रोड शो होगा, उस पूरे राम पथ पर तमाम तोरण द्वार भी बनाए गए हैं, कई कुंतल फूल भी पूरे लगाए गए हैं। इसके लिए पूरा व्यापक व्यवस्था प्रबंध किया गया है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है, उसके पहले यह आयोजन या जो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए बृहद माना जाएगा। और जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, इसके साथ ही कई और योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। सत्यप्रकाश अब हमारे साथ बने रही है, हमें एक बार देखे नेब से आगामी काल जाच्छेन प्रधानमंत्री, आज सेखाने जाच्छेन मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सफर निये पर्यालोचना बैठक रयेछे आजके। तार आगे निरापत्ता व्यवस्थाटा की रकम अयोध्यार देखबो आमरा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों के अनुसार तैयारियां की गई हैं। उन मानकों में एंटी ड्रोन सिस्टम भी होता है, उन मानकों में जो है एनएसजी द्वारा अपनी टीम भेजी जाती है, एटीएस की टीमें भी लगी हुई हैं, और जो है पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जो कंपनियां हैं वो विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी भी कर रही हैं। साथ ही हमने क्विक रिजर्व रिस्पांस फोर्स QRTs इत्यादि भी लगाई हैं, और पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के बल जनपद में तैनात किए गए हैं। सभी की ब्रीफिंग की गई कल, सभी को अपने अपने ड्यूटी के बारे में समझाया गया, बताया गया, मौका दिखलाया गया है। आज रिहर्सल के दिन सभी लोग सुबह 9 बजे से अपने ड्यूटी स्थान पर आ चुके हैं। आप देखिए घने कोहरे में भी पुलिसकर्मी मुस्तैद अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए हैं, और अभी जो है कुछ देर पश्चात रिहर्सल भी प्रारंभ हो जाएगी, तो फ्लीट से उनकी रिहर्सल भी की जाएगी। বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি 24 ঘন্টা।